गाइज, यूपी ट्रिपल एस से जूनियर स्टूडेंट का जो 11 जुलाई को इंटरव्यू हुआ है उसका बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन मेरे पास आए हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए चलिए देखते हैं कि वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखें। और इन सबको शुरू करने से पहले मैं पहले जो इंटरव्यू हुए हैं और उसके जो जो क्वेश्चन दोबारा पूछे जा रहे हैं, जो क्वेश्चन दोहराए जा रहे हैं, मैंने उन क्वेश्चनों को लिया नहीं है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए आप उन सब क्वेश्चनों के बारे में जानने के लिए आप लोग पिछला वीडियो जरूर देखें। आइए चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है वो चरकुला नृत्य कहाँ की लोक नृत्य है। चरकुला नृत्य जानते हैं कि यूपी की लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश का है ये लोक नृत्य, प्रसिद्ध लोक नृत्य है, लेकिन ये कहाँ के है तो ब्रजभूमि के प्रसिद्ध नृत्य है ये। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया वो मिर्जापुर के लोक नृत्य का नाम बताओ। मिर्जापुर का लोक नृत्य का नाम है करमा। करमा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है मिर्जापुर में। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है, मोतिया बिंद रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो जानते हैं कि मोतिया बिंद रोग से आँख से कम दिखाई देने लगता है, आँख प्रभावित होता है, और किस विटामिन की कमी से होता है तो विटामिन ए की कमी से मोतिया बिंद रोग होता है। इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया वो हीमोग्लोबिन के बारे में बताओ। हीमोग्लोबिन रक्त के अंदर लाल कण जो ऑक्सीजन को शोषित करने में सहायता करता है उसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन के बारे में क्या है, रक्त के अंदर लाल कण जो ऑक्सीजन को शोषित करने में सहायता करता है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया, 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की संज्ञा किसने दिया था। तो वीर सावरकर जी हैं जिन्होंने 1857 के जो विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के विरुद्ध, तो उसकी भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा उन्होंने दिया था। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया वो एल्यूमिनियम के अयस्क के नाम बताओ। एल्यूमिनियम के अयस्क क्या है, बॉक्साइट है, बॉक्साइट होता है। इसी तरह पूछ सकता है कि लोहे के अयस्क के नाम बताऊं। यहाँ पर एक ही अयस्क के नाम पूछा है और भी दो तीन पूछ सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। दूरी जाने की लंबाई का मात्रक जो है वो पार्सेक है। लंबाई का मात्रक दूरी होता है, तो दूरी मापने की इकाई क्या है तो वो है पार्सेक। इसके बाद जो पूछा गया, साधारण बातचीत के लिए ध्वनि की तीव्रता कितनी होनी चाहिए। तो साधारण बातचीत के लिए ध्वनि की तीव्रता जो होती है वो 30 से 40 डेसिबल होनी चाहिए। डेसिबल को हम डीबी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर इंटरव्यू है, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप हर तरह से तैयार रहें। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया, गुरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र बताओ। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र आप लोग जानते हैं CaOCl2। ये ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है। अगर आप लोग मेरे फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं, फेसबुक पर पेज है सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर का, या फिर ग्रुप है सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर का, तो आप लोग चाहें तो उससे जुड़ सकते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जॉब्स के लिए तैयारियाँ चलती है, ऑनलाइन प्रिपरेशन होता है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं इससे। इसके पहला जो क्वेश्चन पूछा गया वो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम बताओ। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये और भी बार पूछे जा चुके हैं। इसके बाद जो है, आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं। आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो हवा के विभिन्न परतों में तापमान अलग अलग होता है। जानते हैं कि हवा के विभिन्न परत में तापमान अलग अलग होता है और इस कारण उसका घनत्व भी कम हो जाता है। जब घनत्व कम हो जाता है तो तारों से आता हुआ प्रकाश इन जो वायु है, हवा है, उसके परतों में भिन्न विभिन्न मात्रा में आवर्तित हो जाती है। तो विभिन्न मात्रा में जब आवर्तित हो जाती है तो मनुष्य की आंखों से ये तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो इसे कह सकते हैं कि हवा की विभिन्न परतों में तापमान अलग अलग होता है और इस कारण उसका घनत्व भी कम होता है। इसलिए तारों से आता हुआ प्रकाश इन वायु परतों में विभिन्न मात्रा में आवर्तित होता है, अतः मनुष्यों की आंखों को ये तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं।
इसके बाद जो पूछा गया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पारा कितने डिग्री पर जमता है? तो पारा 39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। ये देखिए जो लिंक यहाँ पर देख रहे हैं आप, site.google.com/site.com/ichhasenterofeducation, ये यहाँ से इस लिंक पर आप जा सकते हैं। डायरेक्ट PDF पर यहाँ पर मिल जाएगा आपको, PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे जो भी वीडियो आज तक अपलोड किया है, डायरेक्ट गूगल पर भी आप सर्च करेंगे इच्छा सेंटर ऑफ एजुकेशन तो ये सबसे ऊपर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद वो है उत्तर प्रदेश के महिला कल्याण मंत्री कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश के महिला कल्याण मंत्री जानते हैं होंगे कि रीता बहुगुणा जोशी हैं, जो महिला कल्याण मंत्री के साथ साथ परिवार कल्याण मंत्री भी हैं, मातृ एवं शिशु कल्याण एवं पर्यटन मंत्री भी हैं। तो इनके अंदर में ये 3-4 मंत्रालय आते हैं, रीता बहुगुणा जोशी। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया, उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री कौन है? तो उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा है, श्रीकांत शर्मा है और उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री। इसके बाद जो क्वेश्चन था, अनुच्छेद 54 में क्या है? अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 54 जो पूछा गया वो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया वो कंप्यूटर से, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स हैं, जानते ही होंगे, ये नाम सुने भी होंगे। एनीमिया रोग किस कीटाणु से पैदा होता है? एनीमिया रोग किस कीटाणु से पैदा होता है? तो टीमिया सालियम है, ये टीमिया सालियम जो है ये कीटाणु है, इसी के कारण एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग में क्या होता है तो ये भी पूछा जा सकता है, तो इसकी कमी से होता है, तो आयरन की ये लोहे की मात्रा जो है, आयरन की मात्रा कम हो जाती है तो एनीमिया रोग होती है उससे। क्वेश्चन था पूछा गया वो है इमोटिकान का दूसरा नाम क्या है? तो इमोटिकान का दूसरा नाम स्माइली होता है। स्माइली आप लोग जैसे फेसबुक व्हाट्सएप चलाते होंगे तो उसमें इमोजी होता है, इमोजी जो होता है उसे ही हम स्माइली या इमोटिकान कहते हैं। इमोटिकान जैसे ये देखिए आपकी फीलिंग को प्रदर्शित करता है, फीलिंग को आपकी फीलिंग को शो करता है। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया, ये स्माइली हो गया, तो इसी तरह का आप बहुत ज़्यादा देखकर आश्चर्यचकित हो गए हैं या बहुत खूबसूरत है कोई, तो उसे देखकर आप अपनी फीलिंग को जिस प्रकार से शो करते हैं तो उसे ही स्माइली या इमोटिकॉन कहते हैं। और इसका अर्थ क्या होता है? इमोटिकॉन का अर्थ भावना प्रकट करने वाले चिन्ह होता है, मतलब कि आप अपनी भावना को प्रकट किस प्रकार से करते हैं, जिस चिन्ह के माध्यम से आप अपनी भावना को प्रकट करते हैं उसे स्माइली कहते हैं। जैसे ये भावना आप पियोगे तो इसे आप यही भावना के हिसाब आप प्रकट कर रहे हैं जो, तो इसे स्माइली कहते हैं या इमोटिकॉन कहते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया वो पैम का फुल फॉर्म क्या होता है? पैम का फुल फॉर्म बताओ। तो पैम का फुल फॉर्म होता है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। पैम का होता है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसके बाद चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन, वो मैथ से था। दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे में भरते हैं तो तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो दोनों नल खोल कर दिए जाए तो खाली हो भरने में, खाली टंकी भरने में 6 घंटे 40 मिनट का समय लगेगा। मैंने सॉल्व किया 6 घंटे 40 मिनट, आप लोग सॉल्व करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोग का कितना आंसर आ रहा है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था वो एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है। एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9:7 है, इसकी परिमिति बताओ। तो इसकी परिमिति आयत का परिमिति का सूत्र होता है 2l+b, मतलब 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, और इसका आंसर 64 आया है। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा देखकर और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला जो पूछा गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √3/4 × भुजा² ये जो होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल।
और एक बार मैं फिर ये बता देता हूँ कि पिछले जो भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चनों को दोहराया भी जा रहा है, तो जो क्वेश्चन दोहराए जा रहे हैं उसे मैंने अपने वीडियो में नहीं लिया है क्योंकि वो सब पहले से ही मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो आप इसलिए सारा वीडियो एक बार ज़रूर देखें, और वैसे कोई भी वीडियो देखने याद करने के लिए क्वेश्चन आंसर आप 2 से 3 बार वीडियो ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन आंसर सारा अच्छे से याद हो जाए, पेन कॉपी उठाने की ज़रूरत नहीं होगी। आइए चलिए देखते हैं आगे। एक महत्वपूर्ण सूचना है कि जो लोग ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा वो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके दोस्तों का भी उद्धार हो जाए, और सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना भूलें ना। और डायरेक्ट मेरे वीडियो तक पहुंचने के लिए ये देखिए लिंक दिया हुआ है, तो इस लिंक पर जाइए और सर्च कीजिए, मेरे जितने भी वीडियो हैं वो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। धन्यवाद।